ये जो इंटरफेस अपना ओपन है एमएस वर्ड 2016 का इंटरफेस ओपन, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे राइट साइड में टॉप कॉर्नर में सबसे क्लोज, सबसे राइट साइड में टॉप पे जो बटन रहता है क्लोज, बीच में जो बटन रहता है उसके दो नाम रहते हैं रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। रीस्टोर डाउन कब रहता है, जब कोई भी विंडो या कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पूरे डेस्कटॉप को कवर कर रहा होगा तो रीस्टोर डाउन रहता है। और मैक्सिमाइज कब होता है इसका नाम, जब कोई भी सॉफ्टवेयर की विंडो आधी स्क्रीन को कवर कर रही हो और पूरी स्क्रीन को उसको फैलाना हो तब। इसके जस्ट बगल में ये जो ऑप्शन है इसका नाम क्या होता है, मिनिमाइज। और मिनिमाइज से क्या होता है, जो भी विंडो या जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर की विंडो टास्क बार में समा जाती है। सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा लेकिन कुछ देर के लिए या जितने टाइम के लिए आप चाहोगे वो मिनिमाइज हो जाएगा। फिर एक और चीज, आपका ये जो प्रेजेंटेशन 4 लिख रहा है यहाँ पे, इस बार का नाम क्या होता है, इस बार का नाम होता है टाइटल बार। डॉक्यूमेंट का नाम किस बार में प्रदर्शित होता है तो टाइटल बार। अब एमएस वर्ड का उपयोग तो किस लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, पर पावर पॉइंट का उपयोग आपका किस लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे डॉक्यूमेंट का नाम, हम ये बोलेंगे यहाँ पर किसी भी स्लाइड का या किसी भी प्रेजेंटेशन का नाम किस बार में प्रदर्शित होता है तो टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, मेन्यू बार। इसके जस्ट नीचे ये जो बार है यहाँ पे, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहा जाता है। यहाँ पर एमएस वर्ड में ये जो व्हाइट कलर का स्पेस होता था उसको वर्क एरिया या वर्क स्पेस कहा जाता था, यहाँ पर इसको वर्क एरिया और वर्क स्पेस ना बोलकर इसको स्लाइड कहा जाता है। आप किसी भी चीज को, आप स्लाइड को ऊपर नीचे खिसकाते हो तो आपको यहाँ पर खिसकाने के लिए बार मिलती है और इस बार का नाम होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे खिसकाना है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और आपको ऐसे खिसकाना है तो ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब बात आती है एमएस वर्ड में, हमने डिस्कस किया था मिनिमम जूम एमएस वर्ड में कितनी होती थी, 10%। यहाँ पर भी मिनिमम जूमिंग आपकी 10% है बट मैक्सिमम जूमिंग आपकी 400% है। वहां 500% रहता था, यहाँ 400% है। फिर आपने कितनी स्लाइड बना रखी हुई है, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कहीं पे स्पेलिंग गड़बड़ है क्या, वो सब कुछ आपको देखेगा यहाँ स्टेटस बार में। और इस बार का नाम होता है आपका स्टेटस बार। सबसे नीचे जो बार होती है उसका नाम होता है टास्क बार, ठीक है। फाइल मेन्यू के ऑप्शन अपन ने एमएस वर्ड 2007 में डिस्कस कर चुके थे हम लोग। फाइल मेन्यू के अंतर्गत सबसे पहला इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। न्यू से आपका ब्लैंक, प्रेजेंटेशन ओपन होगा, ओपन से पुरानी फाइल, पावर पॉइंट में आपने कोई भी फाइल को बना रखा होगा उसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सेव, किसी पुराने प्रेजेंटेशन में आपने कुछ बदलाव किया होगा तो वो सेव होगा। और बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आप नए सिरे से नए तरीके से कोई भी प्रेजेंटेशन को बना रहे हो तो वो सेव ऐसे होगा। इस प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट पे जाओगे, किसी से शेयर करना है ईमेल से या फैक्स करना है तो शेयर पे जाओगे। एक्सपोर्ट, जो आपने पावर पॉइंट में ये जो प्रेजेंटेशन बनाया है किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको ट्रांसफर करना होगा तो आप कर सकते हो। और क्लोज से क्या होगा, जो ये करंट प्रेजेंटेशन खुल रहा है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम आते हैं होम मेन्यू पे। होम मेन्यू में हम सबसे पहले नंबर का ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले नंबर का ऑप्शन है हमारा कट। कट से क्या होगा, जो भी चीज को हमने किसी भी चीज को सिलेक्ट कर रखा होगा उसको उसके स्थान से हम हटा सकते हैं। कॉपी से क्या होगा, उसकी एक और इमेज बना सकते हैं। पेस्ट से, जिस किसी जगह पर हमको ले जाकर उसको रखना होगा वहां जाकर हम पेस्ट कर देंगे। और फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए कोई भी पैराग्राफ या जो चयनित पैराग्राफ है उसमें कितना फॉन्ट लगा है, कौन सी फॉन्ट साइज लगी हुई है, कौन सा कलर है, वो सब कॉपी करना है, मतलब फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। तो फॉर्मेट पेंटर आपका क्या करता है, फॉर्मेट कॉपी करने का काम करता है। फिर जिस भी पैराग्राफ में आपको वो फॉर्मेटिंग लगानी है वहां पर पेस्ट हो जाता है।
यहां पर ये ऑप्शन एमएस वर्ड 2016 में नहीं था। न्यू स्लाइड, एमएस वर्ड में हम क्या है पेजेस लेते हैं, तो पेजेस तो आप लिखते जाओगे आगे बढ़ते जाएंगे, बट यहाँ पर आपको स्लाइड इंसर्ट कराना रहेगा। और कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट 2016 में सबसे पहले नंबर की स्लाइड कौन सी होती है, टाइटल स्लाइड। पावर पॉइंट 2016 बोले, पावर पॉइंट 13 बोले, पावर पॉइंट 10 बोले या पावर पॉइंट 2007 बोले, कोई सा भी पावर पॉइंट का आपको वर्जन मिल जाए लिखा, पर जो स्लाइड पहले नंबर की स्लाइड होती है वो सभी वर्जन में टाइटल स्लाइड ही होती है। ठीक है, आपको जो भी स्लाइड यहां से सिलेक्ट करना होगा या आपको दो चीजों में कंपैरिजन करना है तो आप ये कंपैरिजन वाली स्लाइड ले लो, यहाँ पे आपको जो टाइटल देना है वो टाइटल, यहाँ एक चीज का नाम, यहाँ दूसरी चीज का नाम, और दोनों चीजों में डिफरेंट तुलना करना है आपको, कर सकते हो। लेआउट अभी भी बदलना है तो आप अभी भी बदल सकते हो, टाइटल स्लाइड की जगह आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो ब्लैंक भी ले सकते हो, आपको कंटेंट विद कैप्शन, कंटेंट भी हो कैप्शन भी हो या पिक्चर विद कैप्शन, आपको जो भी स्लाइड का लेआउट बदलना है आप बदल सकते हो। अगर आप किसी स्लाइड के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव करते हो तो रीसेट से क्या होगा, जैसा स्ट्रक्चर पहले होगा ओरिजिनल जैसी स्लाइड थी वैसी हो जाएगी। और स्लाइड के आपको किसी सेक्शन में बदलाव करना है तो आप सेक्शन को ऐड कर सकते हो, सेक्शन को बदल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल स्लाइड ही करते हैं। ये जो पार्ट होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कुछ भी आपने लिखा है आपको किस प्रकार से लिखना है, आपको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। आपने सपोज ये इंडिया लिख लिया, इसको आपको अलग अलग तरीके से लिखना है तो आप अलग अलग तरीके से यहाँ से लिख सकते हो। फिर कई बार एक चीज पूछी जाती है एग्जाम में, आप किसी भी मेन्यू पर क्लिक करते हो और जो लिस्ट ड्रॉप होती है, ये लिस्ट गिरी तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है रिबन, लिस्ट ड्रॉप होती है। किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे अगर लिस्ट ड्रॉप होती है तो उसका नाम होता है रिबन। मैं ये नहीं बोलूंगा वर्ल्ड का, नहीं बोलूंगा पावर पॉइंट का, नहीं बोलूंगा और ना ही एक्सेल का बोलूंगा। किसी भी मेन्यू या किसी भी ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं और जो लिस्ट ड्रॉप डाउन होती है, लिस्ट को ड्रॉप डाउन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो लिस्ट गिर रही है ना, तो जो लिस्ट ड्रॉप डाउन होती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है रिबन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा फॉन्ट साइज, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसका आकार हमें कितना रखना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसमें भी ये जो लिस्ट गिरी इसका नाम रिबन। अब अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में मिनिमम फॉन्ट साइज या रिबन में, रिबन है ये, रिबन में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो मिनिमम फॉन्ट साइज यहाँ पर 8 है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज यहाँ पे है 96 या 96। जबकि अगर आपसे एमएस वर्ल्ड की अगर कोई बात करेगा तो मिनिमम फॉन्ट साइज वहाँ 8 थी रिबन में और मैक्सिमम फॉन्ट साइज थी आपकी 72। अगर रिबन लिखा नहीं मिलेगा, वर्ड का बोलेंगे तो 1 से लेके 1638 और यहाँ पे अगर आपसे कोई बोलेगा तो 1 से लेके 4000। पावर पॉइंट में मिनिमम फॉन्ट है 1 और मैक्सिमम फॉन्ट है 4000, रिबन में 8 और 96। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आओगे, ये आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, ये आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज है फॉन्ट साइज कम करने के लिए। ये ऑप्शन जो है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, जो कुछ भी मैंने फॉर्मेटिंग की है वो हटाने के लिए। बोल्ड, गहरा, इटैलिक, तिरछा, इंडेंट या ऑब्लिक भी कहा जाता है इसे, अंडरलाइन से अंडरलाइन आ जाएगा, शेडो वाले ऑप्शन से आपने जो कंटेंट लिख रखा है उसके पीछे शेडो आ जाएगी, परछाई आ जाएगी। स्टिक थ्रो, जो कुछ भी आपने कंटेंट लिखा है बीचों बीच से कट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन होता है कैरेक्टर स्पेसिंग, नया ऑप्शन है, वर्ड में ये ऑप्शन नहीं था।
दो शब्दों के बीच का गैप आपको कितना रखना है? लूज किया, दूर हुआ, वेरी लूज किया और दूर हुआ, नॉर्मल किया, पास आ गए, टाइट किया और पास, और वेरी टाइट में और क्लोज आ, जबकि नॉर्मल रहेगा। ए और स्मॉल ए का एमएस वर्ड में क्या नाम था? चेंज केस। चेंज केस पे जब आप क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे जो एमएस वर्ड 2016 में थे। एमएस वर्ड 2016 में हम सभी ऑप्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम यहाँ पर भी रिपीट कर दे रहे हैं। सेंटेंस केस में क्या होगा? किसी भी पैराग्राफ का पहला शब्द कैपिटल, फुल, फिर जहाँ पे कहीं पे फुल स्टॉप होगा उसके जस्ट बाद का पहला कैपिटल। लोअर केस में सभी स्मॉल लेटर्स में, अपर केस में सभी कैपिटल लेटर्स में, कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल, और टॉगल केस में हर शब्द का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। ये ऑप्शन है मेरा फॉन्ट कलर, जो कुछ भी मैंने लिख रखा होगा उसको कलरिंग देने के लिए। ये ऑप्शन है आपका बुलेट, ये ऑप्शन है आपका नंबरिंग, किसी चीज को आपको नंबरिंग देनी है। ये ऑप्शन आपके चार टाइप के अलाइनमेंट यहाँ पर भी है, लेफ्ट साइड से पेज के, सॉरी पेज नहीं, स्लाइड के लेफ्ट साइड, सेंटर से स्लाइड के बीचों बीच, और राइट साइड से स्लाइड के राइट साइड। और जस्टिफाई से क्या होगा? लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कोई भी पैराग्राफ लिखा है वो इक्वली इंडेंट हो जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं यहां पर। एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? चार। एमएस पावर पॉइंट में भी चार, पर एक्सेल में कुछ और अलाइनमेंट होते हैं, वो वहां देखेंगे अपन कितने होते हैं। अब बात आती है कोई भी पैराग्राफ रूलर कहां होती है? रूलर आपको स्केल होती है, स्केल हम लिए ले रहे हैं। कोई भी पैराग्राफ रूलर के लेफ्ट साइड इंडेंट है तो उस पैराग्राफ में कौन सा अलाइनमेंट लगा होगा? कोई भी पैराग्राफ रूलर के, रूलर का लेफ्ट साइड आपका यही है, कोई भी पैराग्राफ रूलर के लेफ्ट साइड इंडेंट है तो उसमें कौन सा अलाइनमेंट लगा होगा? इंडेंट का मतलब होता है सीध में, लेफ्ट साइड से कोई भी पैराग्राफ सीध में होगा तो उसमें कौन सा अलाइनमेंट होगा? लेफ्ट अलाइनमेंट। और अगर आपका कोई भी पैराग्राफ रूलर के राइट साइड इंडेंट होगा तो राइट अलाइनमेंट, और कोई भी पैराग्राफ बीचों बीच लिखा है तो सेंटर अलाइनमेंट। कोई भी पैराग्राफ रूलर के दोनों साइड इंडेंट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो जस्टिफाई, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इंडेंट और ये डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज लिस्ट लेवल के नाम से भी जाना जाता है और डिक्रीज लिस्ट लेवल के नाम से भी जाना जाता है। आपको किसी भी चीज को और ज्यादा अंदर की साइड लिखना है तो ये इंक्रीज लिस्ट लेवल, डिक्रीज लिस्ट लेवल से वापस आप उसी साइड पे आ जाओ। इसके जस्ट पास में ये जो ऑप्शन दे रखा है इसका नाम है लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच का गैप। कई बार पूछा जाता है दो लाइनों के बीच की दूरी, दो लाइनों के मध्य की दूरी किस ऑप्शन के द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है? तो लाइन स्पेसिंग। आपको एक ये जो बॉक्स है लिखने वाला, इस बॉक्स को दो टुकड़ों में डिवाइड करना है तो आप इस कॉलम वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। दो पार्ट में ये टूट जाएगा, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। टू पे करें, ठीक है, टू कॉलम पे किया। आप देख सकते हो एक ही लिखने वाला बॉक्स है पर दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, जबकि आप यहाँ पर वन कॉलम करते तो एक ही कॉलम में लिखा होता, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्स्ट डायरेक्शन। जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की हमको डायरेक्शन क्या रखनी है, वो टेक्स्ट डायरेक्शन हम यहाँ से क्या कर लेंगे? सेट कर लेंगे। जो भी डायरेक्शन हमको रखना होगा वो सेट कर लेंगे। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ रखना है, लेफ्ट पे रखना है, सेंटर पे रखना है, राइट पे रखना है, वो भी हम यहाँ से सेट कर लेंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जो भी ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको अगर हमें स्मार्ट आर्ट में बदलना है तो इस चीज को हम स्मार्ट आर्ट में भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका स्मार्ट आर्ट। इसके बाद आप आओगे, आपको लिखने के लिए और ज्यादा बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो। लाइन ड्रॉ करनी है, एरो ड्रॉ करना है, आपको रेक्टेंगल बनाना है, सर्कल बनाना है, राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल बनाना है, बना सकते हो। अरेंजमेंट का मैं आपको बहुत डिटेल में एमएस वर्ड में बता चुका हूँ। किसी भी चीज को आगे लाना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, किसी भी चीज को पीछे भेजना है तो सेंड टू बैकवर्ड। वही चीज है, ब्रिंग टू फ्रंट आगे लाना, सेंड टू बैक पीछे भेजना। ये तो चीज हुई जब आपके दो या दो से अधिक शेप होंगे, जो शेप होगा उसको आगे लाओगे। लेकिन अगर आपके दो ही शेप है तो ब्रिंग फॉरवर्ड आगे लाओ, सेंड बैकवर्ड पीछे भेज। क्विक स्टाइल में आप अलग अलग तरीके की स्टाइल्स लगा सकते हो। ये स्टाइल लोड हो रही है अपनी, ये स्टाइल लोड हो गई। शेप फिल में शेप के अंदर आपको कौन सा कलर की फिलिंग रखना है, शेप आउटर लाइन में आपको किस कलर की बॉर्डर रखना है। शेप इफेक्ट किससे मैच करते हैं ये ऑप्शन, किस ऑप्शन से मैच करते हैं, पिक्चर इफेक्ट नाम के ऑप्शन बताए थे मैंने एमएस वर्ड में जब हम डिस्कस कर रहे थे। कोई भी पिक्चर को जब हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते थे और उस पिक्चर पे क्लिक करते थे और फॉर्मेट ऑप्शन में जाते थे तो पिक्चर इफेक्ट के अंतर्गत आपको ये सभी ऑप्शन मिलते थे। प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट एड, बिलेबल, 3D रोटेशन। बोलो, एमएस वर्ड में आपने बताया थी, पिक्चर डालोगे, पिक्चर पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो पिक्चर की प्रॉपर्टी आएगी, और जब पिक्चर की प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो वहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पिक्चर इफेक्ट का। पिक्चर इफेक्ट और शेप इफेक्ट के जो ऑप्शन है सभी के सब एक से है। और ज्यादा डाउट हो, अभी हम होम मेन्यू को डिस्कस करने के बाद इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे तो वहां पे हम दोबारा उस चीज को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। शेप को देखते रहिए, शेडो पे आप आओगे तो आपको परछाई मिलेगी, रिफ्लेक्शन पे आप आओगे तो इसका एक प्रतिबिंब मिलेगा नीचे की साइड देखने के लिए। ग्लो पे आप आओगे, बॉर्डर वाला पार्ट इसका क्या होता जाएगा, ग्लो करता जाएगा, चमकता जाएगा, अब आप थोड़ा सा सही लगेगा। इसके बाद सॉफ्ट एड में आओगे, बॉर्डर वाली साइड से पिक्चर छोटी होती चली जाती है। बिलेबल पे आप आओगे, अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं, और 3D रोटेशन में भी आपके अलग अलग तरीके के इफेक्ट है। फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट में ढूंढने के लिए। रिप्लेस मतलब किसी चीज के स्थान पर या किसी शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द लाना है तो रिप्लेस। सिलेक्ट मतलब चयनित करना, जो कुछ भी हमने एमएस पावर पॉइंट में लिखा है उसको हमको सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।